तो दोस्तों अभी जो डिवाइस देख रहे हो मेरे हाथ में, ये अभी पूरी तरह से हार्ट ब्रेक में जा चुका है। मतलब किसी भी मोड पे ऑन नहीं होगा, ठीक है? एकदम हार्ट ब्रेक, एकदम मतलब ब्लैक स्क्रीन हो गया। कुछ देर पहले सिर्फ नोटिफिकेशन लाइट ओपन हो रहा था, ऑन हो रहा था, अभी वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है? तो अगर नोटिफिकेशन लाइट ऑन होता है उसका मतलब आपका डिवाइस इमरजेंसी डाउनलोड मोड पे ऑटोमेटिकली चला गया है, ठीक है? अगर नोटिफिकेशन लाइट होता है तो आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखना, आपका डिवाइस मैनेजर पे जाओ, पोर्ट पे जाके देखना, आपका क्वालकॉम वाला पोर्ट शो होगा, उसके मतलब आपका डिवाइस ईडीएल मोड पे जा चुका है ऑटोमेटिकली, ठीक है? अगर वहाँ पे ईडीएल मोड का पोर्ट शो होता है तो उसके मतलब आप फास्टबूट रोम की मदद से आपके डिवाइस को ठीक कर सकते हो। पर उसमें भी एक झंझट है, आपका अगर लेटेस्ट क्वालकॉम वाला डिवाइस है तो आपको ऑथराइज अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? वो आप फ्री टूल से नहीं कर पाओगे। मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको। मैं अभी कंप्यूटर से कनेक्ट करके आपको पोर्ट में जाके दिखा देता हूँ। तो अभी कनेक्ट हो जाएगा, देख सकते हो आप, अभी कनेक्ट हो चुका है। क्वालकॉम HS USB QD Loader 9008, ये आपका क्वालकॉम का पोर्ट है। अगर आपका एम टी का डिवाइस है तो एम टी के पोर्ट शो होगा, ठीक है? तो अभी Note 7 Pro को लेके बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस पोर्ट पे अगर कनेक्ट हो जाए तो आप ईडीएल मोड से रोम फ्लैश कर सकते हो। आपको फास्टबूट रोम फ्लैश करना होगा, लेटेस्ट वाला, ठीक है? तो कई लोग क्या करते हैं कि MI Flash 2 का यूज़ करते हैं, तो उससे नहीं होगा, ठीक है? लेटेस्ट अगर आपका लेटेस्ट क्वालकॉम डिवाइस है तो आपका ईडीएल से रोम फ्लैश के लिए ऑथराइज अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपका मतलब MI Flash 2 से सिंपली फ्लैश नहीं होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपका मतलब कुछ ना कुछ एरर तो आएगा ही, ठीक है? आपको मैं करके दिखाता हूँ वो किस तरह का एरर आता है। बहुत से एरर आता है, ठीक है? एक ही एरर बार बार नहीं आता, अलग अलग टाइप का एरर आता है। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी अभी एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देख सकते हो COM4 में मेरा डिवाइस है, ठीक है? तो और नीचे मैं क्लीन ऑल कर लेता हूँ अभी, और मेरा जो रोम फाइल है वो मैं यहाँ पर लोड कर लेता हूँ। मैंने डिस्क ई पे रखा था, तो आपने जहाँ पर रखा है वहाँ से ही आप लोकेट कर लेना। तो पूरा वॉलेट को ही आपको ओके कर देना है, और फिर से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और फ्लैश करके आपको दिखा देता हूँ। मतलब आपका कई तरह का एरर आएगा, ठीक है? अब मेरा जो एरर आया है वो आपका भी आएगा, वो ऐसा नहीं है, आपका अलग आ सकता है एरर, ठीक है? अभी देखो कौन सा कैसा एरर आता है। देख सकते हो अभी एरर आया, राइट टाइम आउट, मे बी डिवाइस वॉज डिसकनेक्टेड। यहाँ पर बोला है मेरा डिवाइस डिसकनेक्ट है। तो मैं अभी आपको डिवाइस मैनेजर पर जाके दिखाता हूँ, डिवाइस डिसकनेक्ट है क्या कनेक्ट है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अभी देख सकते हो मेरा डिवाइस कनेक्ट है, ठीक है? देखो अभी मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा साइड में ले लेता हूँ इसको मैं, और मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। देखो डिवाइस कनेक्टेड है क्वालकॉम HS USB QD Loader पे, और मैं फिर से इसको फ्लैश करके दिखाता हूँ आपको, फिर से वही एरर दिखाएगा। क्योंकि विदाउट विदाउट ऑथोराइज अकाउंट के आपका MI Flash 2 से डोम फ्लैश नहीं होगा ईडीएल से, ठीक है? उसके लिए आपको दूसरा टूल यूज़ करना पड़ेगा, पेड टूल जिसे बोलते हैं। तो वो भी करेंगे हम लोग, मेरे पास तो ऑलरेडी है। अगर आपका इस तरह का कोई डिवाइस है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, आपका रोम फ्लैश कर दूंगा मैं, बहुतों का कर चुका हूँ। आपका आपका डिवाइस पीसी पे सिर्फ टीम व्यूअर होना होना चाहिए, और आपका डिवाइस में मतलब आपका कंप्यूटर में आपका स्टॉक फास्टबूट रोम होना चाहिए, ठीक है? तो देख सकते हो एरर आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं अपना वाला टूल यूज़ करूँगा, ठीक है? तो मैं अपना वाला टूल ओपन कर लेता हूँ और इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। ये पेड टूल है, फ्री टूल, फ्री में काम नहीं होता, ठीक है? तो इसे लॉगिन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा वेट कर लेता हूँ मैं। तो टूल हमारा ओपन हो चुका है। तो इस टूल से हम सिर्फ रोम ही फ्लैश नहीं करते, हम और भी बहुत कुछ करते हैं। देख सकते हो आप MI का आपका MI अकाउंट रिमूव करके दे सकते हैं, आपका IMEI रिपेयर करके दे सकते हैं, आपका FRP अनलॉक कर मतलब स्किन लॉक अनलॉक करके दे सकते हैं, आपका OTA अपडेट डिसेबल कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ MI का ही नहीं, आपका ओप्पो वीवो हवा सैमसंग ये सब लेनोवो ये सब का डिवाइस भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो अभी हम अपना मेरे डिवाइस का रोम फ्लैश करेंगे, ठीक है? तो मेरा डिवाइस ऑलरेडी EDL पे कनेक्टेड कनेक्ट है। तो अभी करके देखता हूँ, अभी अपना जो रोम फाइल है उसे मैं लोड कर लेता हूँ।
और मेरा जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली ईडीएल मोड पे गया है, तो इससे रोम फ्लैश होगा कि नहीं वो उसका गारंटी नहीं है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर नहीं होता तो हमें टेस्ट पॉइंट की मदद से ईडीएल में जाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर ईडीएल मोड पर जाता है तो कभी कभी रोम फ्लैश हो भी जाता है और कभी कभी नहीं होता, ठीक है। तो टेस्ट पॉइंट से मदद से हम कर लेंगे, तो हमें जो पोर्ट है वो देख सकते हो, और मैं फ्लैश कर लेता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। वरना तो टेस्ट पॉइंट से जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो ही बेस्ट तरीका होता है। तो सर्चिंग फॉर देख सकते हो, यहाँ पर एक यूएसबी ड्राइवर का इशू आया है, लो स्पीड कनेक्शन। इसका मतलब क्या है, देखो मेरा यूएसबी पोर्ट ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए लो स्पीड कनेक्शन का एरर आया है। दूसरा सहारा एरर आया है, ठीक है। तो लो स्पीड कनेक्शन तो मैं ठीक कर लूँगा, तो देखते हैं। अभी ठीक कर लेता हूँ, मैं अपना डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, डिस्कनेक्ट करके फिर से अपना कंप्यूटर के साथ लगा लेता हूँ, तो मेरा ठीक से लगाऊंगा तो मेरा लो स्पीड कनेक्शन का इशू चला जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला इशू फिक्स करते हैं, उसके बाद दूसरा वाला भी फिक्स कर लेंगे। तो अभी डिस्कनेक्ट करके फिर से लगा लेता हूँ मैं अपने डिवाइस को। तो अभी मैंने डिस्कनेक्ट करके फिर से लगा लिया अपने डिवाइस को, अभी मैं फिर से फ्लैश करके देख लेता हूँ, ठीक है। अभी तो लो स्पीड का इशू चला जाएगा मेरे ख्याल से। तो देख सकते हो लो स्पीड कनेक्शन का इशू चला गया है, ठीक है। तो वो मेरा यूएसबी ठीक से नहीं कनेक्ट हुआ था इसलिए आया था। तो अभी जो सहारा एरर आया है हैंड शेकिंग का, तो वो कैसे, वो तो देखते हैं, ठीक है। मैं पढ़ लेता हूँ ठीक से, ट्राइंग टू कनेक्ट फायर हाउस मोड। तो हमें क्या करना होगा, देखो अभी इस तरह से ईडीएल मोड से रूम फ्लश नहीं होगा, हमारा जो फायर हाउस का जो मोड है उसमें मतलब प्रोग्रामर फाइल लोड नहीं हो रहा है। तो हमें अपना डिवाइस का बैक पैनल खोलना ही होगा, उसके बाद हमें टेस्ट पॉइंट की मदद से ईडीएल पर जाना होगा, तो ही हमारा रूम फ्लश होगा, वरना इस तरह से एरर आएगा ही, ठीक है। तो मैं अभी अपना दो जिस मोबाइल को खोल लेता हूँ, मैं आपको सामने ही खोलूँगा, ठीक है। तो अभी मैं अपना डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद हमें अपना बैक पैनल खोलना होगा। तो आप किसे कैसे खोलोगे आप देख लेना, आप किसी शॉप से भी खुलवा सकते हो, लेकिन मैं तो इसे ऐसा एक पुराना सा ब्लेड से ही खोल लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत बार खोल चुका हूँ इसे। इसे आप ध्यान से खोलना तो आपका कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही खोलता हूँ, अभी देख लो कैसे खोलना है, और ध्यान से खोलना, आप फिंगरप्रिंट का वायर कट मट कर देना, ठीक है। तो एक साइड अगर ठीक से खुल गया तो आप आराम से बाकी साइड भी खोल सकते हो, देख लो कैसे खुलना है। अगर एक साइड ओपन हो गया है तो दूसरे बाकी साइड भी आप खोल लोगे। देखो इस तरह से आप साइड से धीरे धीरे ले जाओ, देखो अपने आप खुल गया, आसान है ना। अब फिंगरप्रिंट आपको खोलना नहीं है, ठीक है। फिंगरप्रिंट खोलने के लिए आपको पूरा नट बोल्ट वगैरह खोलना होगा, तो उतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ टेस्ट पॉइंट की मदद से जाना है और आपका बैटरी लाइन को डिस्कनेक्ट करना है। तो बैटरी लाइन को डिस्कनेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर जो नट वगैरह है वो आपको खोलना होगा इस साइड का, ठीक है। सिर्फ यही वाला खोलना होगा, ठीक है, और कोई भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी आपको खोल लेता हूँ, देख सकते हो ए टू जेड खोल चुका हूँ। अभी इसको मैं एक साइड में रख देता हूँ ताकि वो खो ना जाए, तो इसको भी खोल लेते हैं। और इन सभी चीज़ों को एक साइड करके रखना, और आपका बैटरी का लाइन डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। आपका बैटरी का लाइन डिस्कनेक्ट करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना ही आपको खोलना है और कुछ नहीं खोलना। और इन सभी चीज़ों को मैं एक साइड करके रख देता हूँ अभी। और अभी आपको क्या करना है, आपको टेस्ट पॉइंट को प्रेस करना है। अभी दो बड़ा बड़ा जो डॉट दिख रहे हो, वो चार डॉट, उसी सामने जो बड़ा साइज का दो दो डॉट होगा वही आपका टेस्ट पॉइंट है। तो उसी दो पॉइंट को एक साइड प्रेस करके आपको मतलब आपका यूएसबी कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो वो बड़ा वाला जो देख रहे हो वो बड़ा वाला ही, तो लगा लेता हूँ मैं। उन दोनों को पिन से प्रेस करो, ठीक है। देखो आपको प्रेस करना है पिन से दोनों को एक साथ लगा के, और आपको पुट कर देना है, मतलब यूएसबी लगा देना है। तो देखो कि आपका कंप्यूटर पे एक साउंड आ जाएगा, तो अगर साउंड हुआ है तो समझ लो आपका ईडीएल पे कनेक्ट हो चुका है। अगर साउंड नहीं आता आपको बार बार ट्राई करते रहना है, ठीक है। तो मेरा ईडीएल पे कनेक्ट हो चुका है, तो मैंने फ्लैश भी कर दिया। अभी देखो फ्लैश होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब देख लो
क्योंकि ईडीएल से तो फ्लैश होगा ही, अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो, हार्डवेयर डैमेज नहीं है तो फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख सकते हो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, हैंडशेकिंग भी ओके हो चुका है। देख सकते हो अभी, देखो आप फ्लैशिंग का मज़ा, एकदम धनाधन फ्लैश हो जाएगा सब कुछ। देख सकते हो सब कुछ कंप्लीट है, कोई भी इशू नहीं आया। अभी एक एक करके सभी फाइल फ्लैश हो जाएगा। देखो प्रोग्रामर भी ले लिया, ऑथ बाईपास हो गया। देखो ए टू जेड फ्लैश होना शुरू हो चुका है। तो DTBO भी फ्लैश हो चुका है, कर्नल भी फ्लैश हो गया, मतलब बूट इमेज फ्लैश स्क्रीन, रिकवरी इमेज भी फ्लैश हो गया। देख सकते हो ये, देखो ओके हो गया। तो इस तरह से आपको टेस्ट पॉइंट की मदद से फ्लैश करना है। ठीक है, और अभी कौन सा वाला कष्ट हो रहा है, होने दो इसे। तो हमारा फ्लैश लगभग ख़त्म हो चुका है, तो देख सकते हो रिबूटिंग आ चुका है। तो रिबूटिंग में जा चुका है अभी, तो ऑटोमेटिक रिबूट नहीं लगेगा क्योंकि हमारा बैटरी तो निकाला हुआ है ना, हमें मैनुअली रिबूट करना पड़ेगा। तो पीसी का काम ख़त्म, आपका रोम वगैरह सब कुछ ठीक ठाक से फ्लैश हो चुका है। अभी मैं आपको डिवाइस में जाके दिखाता हूँ। तो आपको आपका डिवाइस को डिसकनेक्ट कर लेना है और आपका बैटरी को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, ओके, बैटरी लाइन को एक बार कनेक्ट कर लेना है। बस इतना सही, अभी आपको बूट चालू करके दिखाता हूँ मैं आपको डिवाइस को, ये ऑन होता है कि नहीं। तो देख सकते हो हमारा डेड हार्ट बीट डिवाइस एकदम फिक्स हो चुका है। हालांकि उसमें वो पहले से आइडियल मोड पर था, फिर भी उससे काम नहीं बना, इसलिए हमें टेस्ट पॉइंट की हेल्प लेना पड़ा। ठीक है, अगर वैसे हो जाता तो अच्छी बात था, वैसे नहीं हुआ इसलिए हमें बैक पैनल खोल के टेस्ट पॉइंट से करना पड़ा। ठीक है, तो देख सकते हो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो आपका भी अगर सॉफ्टवेयर की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है, मतलब आपने कभी कोई रोम वगैरह इंस्टॉल करने की कोशिश किया तो आपका डिवाइस एकदम से बंद हो गया, मतलब उसी को ही हम डेड बोलते हैं, हार्ट ब्रेक बोलते हैं, उसमें चला गया, तो आपको आप ले गए सर्विस सेंटर, उन्होंने वो लोग उस लोगों ने मतलब वो लोग बोला कि मेन बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते, देखो उन लोगों को पता होता है क्या प्रॉब्लम है, फिर भी वो लोग नहीं करके देते, आपको मेन बोर्ड चेंज करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो आपको उस तरह के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, अगर आप मेरे से ठीक कराना चाहते हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, मैं आपको ठीक कर दूंगा। ठीक है, अगर आपका सेम ऐसा ही प्रॉब्लम है, ठीक है, आप शाओमी ओप्पो वीवो ये सब की बात कर सकते हो, देखते हैं मेरे पास अगर होगा तो मैं आपको करके दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपको मेरा डिवाइस तो आवश्यक ऑन हो चुका है, आप भी इस तरह से आपका हार्ट बीट डिवाइस फिक्स कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था।